आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और ये बात हमारे वैज्ञानिक समय समय पे हमें याद दिलाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरदेव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्कूल FZR। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आविष्कार के बारे में जो इतना अगर सफल हो गया तो हमारी पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर फ्यूज़न इग्निशन के बारे में, जो कि हमारे दुनिया के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है और वो एक सफल प्रशिक्षण है। तो मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी जो कैलिफोर्निया में है, उस लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि फ्यूल पैलेट्स के ऊपर लेजर के साथ, इंटेंसिफाई लेजर के साथ उसके ऊपर कंसंट्रेटेड लेजर डाली गई, जिसकी वजह से जो फ्यूल पैलेट्स गर्म हो गए, हीटअप हो गए, और हीटअप होने की वजह से उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो गया, यानी कि दो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स मिलकर एक हीलियम का बिगर न्यूक्लियस बना दिया और जिसके साथ और ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट हुई जो कि इन द फॉर्म ऑफ हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। तो हुआ क्या एक्सपेरिमेंट, उसमें मैं बताता हूँ। काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड लेज़र की जो लाइट थी वो उन्होंने एक पार्टिकल पे, यानी कि जिसको बोलते हैं हम फ्यूल पैलेट्स, इस फ्यूल पैलेट्स क्या होते हैं, ये किसी भी बायो वेस्ट थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट थे, कोई एक बनाया जाता है पार्टिकल जिसके ऊपर उन्होंने कंसंट्रेटेड लेज़र की जो बीम है, उसकी जो लेज़र की जो पावर है वो उन्होंने उसके ऊपर डाल दी और उस पॉइंट के ऊपर उसको इतना ज़्यादा हीटअप हो गया कि वो हीटअप होने की वजह से उसके अंदर रिएक्शन शुरू हो गया, फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि हीट और प्रेशर क्रिएट हुआ और हीलियम पार्टिकल यानी कि पॉजिटिव आयन चार्ज पार्टिकल जनरेट हुए, जिन्होंने अपने ही अंदर से और हीलियम पार्टिकल को जनरेट किया और हीट और प्रेशर जनरेट हुआ, फिर और हीट और प्रेशर जनरेट होने की वजह से फिर हीलियम पार्टिकल फिर बन गए और इस तरह से जी अपने आप ही ये एक चेन रिएक्शन बन गया और एक तरह से फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गया, जिससे कि अनलिमिटेड हीट पैदा हुई और अनलिमिटेड जो है हमें एनर्जी मिल गई। यानी कि जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर कोई भी हम चलाते हैं तो उसके लिए हम अपने उसको बाहर से एनर्जी देते हैं, जो जैसे कि हम इस केस में न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, यूरेनियम 235 होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ हम उसको एनर्जी देने के लिए यूज़ करते हैं। तो उससे जो एनर्जी हम लगाते हैं तो और उसके बदले में जो हम एनर्जी लेते हैं तो उसमें लगभग ज़्यादा फर्क नहीं होता है, हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, पर इस केस में हमारी एनर्जी कम लगी जिसको स्टार्ट करने में, और जो एनर्जी हमें मिली वो इतनी ज़्यादा थी कि अमेरिका के जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं उससे 700 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो दोस्तों सोचिए, अगर 700 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी है यूएस की, उससे ज़्यादा अगर वो विद इन फ्यू सेकेंड्स अगर एनर्जी जनरेट हुई है तो सोचिए इससे हमारी पूरे विश्व की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो क्राइसिस की समस्या है वो कितनी आराम से सॉल्व हो जाएगी। और आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की हमारी नीड बन चुकी है, तो इस नीड को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया और हमें एक ऐसा आयाम दे दिया जिससे कि अब हमें और हम इसके बारे में जानने लग जाएंगे। यानी कि जैसी रिएक्शंस जो हमारे सन के ऊपर होती है, जो फ्यूजन रिएक्शन सन के ऊपर होता है, जो प्लाज्मा पार्टिकल्स वहां पर जनरेट होते हैं, सेम कंडीशन उन्होंने लेबोरेटरी में बनाकर दिखाई जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। तो मेरा मतलब ये है कि इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से हम जो सन है उसकी स्टडी कर पाएंगे कि वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है, वहाँ पर फ्यूज़न कैसे हुआ, वहाँ पर जो गैसेस हैं वो कैसे बनी। और अगर एक बार हमने ये पता लगा लिया तो हमें बिग बैंग थ्योरी को समझना और उसके हम और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जो ये हमारे ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ये कहाँ से आए, ये कैसे बने,
इन सबको बनाने का जो तरीका था वो हम उसके और करीब होते जाएंगे। तो इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर बात करूँ मैं फ्यूज़न की, फ्यूज़न का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये क्लीन एनर्जी है, यानी कि जिस तरीके से हमारे आजकल पेट्रोल डीजल और गैसेस हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं और हम धीरे धीरे सोलर पावर के ऊपर आना शुरू हो गए हैं, तो हमने वो ही पावर जो है वो अनलिमिटेड पावर क्रिएट करने के लिए, वो क्लीन एनर्जी यूज़ करने के लिए एक्सपेरिमेंट को किया। और ये एक्सपेरिमेंट जब सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया तो अब हम और ज़्यादा करीब आ चुके हैं, अब इनकी डिपेंडेंसी अब जो है हमारे ऊपर, जो ये पेट्रोल गैस है जिसकी कीमतों ने हमें रुला रखा है, उससे हमें आज़ादी मिल जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सारा काम शुरू हो जाएगा, हमारी कार इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगी, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, किसी भी काम को करने के लिए अब हमें इलेक्ट्रिसिटी की ही ज़रूरत पड़ेगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से मिलेगी, इस फ्यूज़न रिएक्शन से, फ्यूज़न इग्निशन रिएक्शन से। इग्निशन का मतलब होता है कि सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि अपने आप ही वो आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के देता रहेगा, रिएक्शन जो है वो अपने आप होता जा रहा है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है आपको ये हमारा लेक्चर छोटा सा पसंद आया होगा जानकारी। अगर हमें आपको पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले जनरेशन के बारे को इसके बारे में पता लगे और हम इसके बारे में और आविष्कार कर सकें। धन्यवाद।